वाओ, क्या खूबसूरत मॉल है। पहले जाएंगे आर्केड, मुझे अपना स्कोर बढ़ाना है। हाँ, पर इस बार तुम नहीं जीत सकते। तुम सारे अपना गेवा खेलते रहो, पर मैं एक मिशन पर आया हूँ। मिशन? मुझे एक नई हैंडबैग लेनी है जी। क्या आएगी इसमें पाकिटा का महीना। यहाँ आने का आइडिया अच्छा था दोस्तों, वैसे भी हमें शॉपिंग की सख्त जरूरत थी। तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी इलाय, यहाँ सब कुछ है। हाँ, सब कुछ तो है सिवाय लोगों के। हम यहाँ थोड़े जल्दी आए, शायद ये बंद हो गया है। लगता है हमें जवाब मिल गया, यह ज़ॉम्बीज़ है। जरूरत को जी, मैं सबको सुरक्षित जगह पे ले जाएंगा। हर साल हैलोवीन में मेरे पापा और मैं हमेशा बैक टू बैक ज़ॉम्बी मूवी देखा करते थे, इसलिए मुझे इनके बारे में सब पता है। और ज़ॉम्बी से बचने का पहला रूल है, उनसे डरना मत। और दूसरा रूल क्या है? ज़ॉम्बीज़ डरावने होते हैं, पर स्लो भी और थोड़े खतरनाक भी। लेकिन अगर हम चुपचाप बाहर निकले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्लो? ये ज़ॉम्बीज़ मुझे स्लो नहीं, फास्ट लग रहे हैं। सुनो, रूल नंबर 3 है, भागो यहाँ से। ये ज़ॉम्बी वैसे नहीं है जैसे मैंने फिल्मों में देखे थे। रूल नंबर 4, छिपने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढो। ये बिल्कुल उस साइंस मूवी जिंदा ज़ॉम्बीज़ मेरा दिमाग खा गया जैसा है, और उस एनिमेशन मूवी की तरह जिसका नाम था एक रात ज़ॉम्बीज़ के साथ। होश में आओ, पहले ज़ॉम्बीज़, दूसरा ज़ॉम्बीज़। अभी इससे दर्द होता है। वहां से बाहर निकलो। हमें लगा तुम एक ज़ॉम्बी हो। मैं हूँ मिलोर्ड मिलफोर्ड, एक सिक्योरिटी स्लिंगर। डराने के लिए माफी चाहता हूँ, जिस तरह से तुमने आवाज की, वेल, मैं तो खुद की रक्षा कर रहा था। तो तुम इस मॉल के पुलिस हो? यहाँ के रहने वाले हमें इसी नाम से बुलाते हैं, जरूर। लेकिन एक सिक्योरिटी स्लिंगर हमेशा दूसरों की रक्षा करता है, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो, चाहे वो एक मॉल हो या सिनेमा घर हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो या स्विमिंग पूल। मैं भी यही बनने का सपना देखता था। और ऐसे ही सपने देखने से हीरोज पैदा होते हैं मेरे दोस्त। मैं हूँ इलाय शेन और ये है मेरी गैंग, ट्रिक्सी, कॉर्ड और प्रॉन्टो। ये वाला थोड़ा चमकीला है, लाइक प्रॉन्टो की लाइक मैची होनी चाहिए। शेन गैंग, हाँ, तुम मॉल के इतने अंदर आ गए हो तो जरूर तुम बहादुर हो गए। फिलहाल तो हम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मुश्किल है, ज़ॉम्बीज ने बाहर जाने के रास्ते को घेरा है। करीब 12 घंटे पहले से लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं, वो तभी से लोगों को खींच कर ले जा रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो बहुत सारे थे। मैंने सिक्योरिटी स्लिंगर नेटवर्क से स्पेशल फोर्स को भी बुलाया है। सोचा जब तक वो आ नहीं जाते, क्यों ना मैं यहीं रुक जाऊं। तुम्हारा नेटवर्क भी है, कमाल है। अगर हम यहीं रुके रहे तो ज़ॉम्बीज हमें ढूंढकर हमें भी उनके जैसा बना देंगे। सही कहा ना मैंने? भले ही तुम जैसे लोग मॉल पुलिस पर यकीन ना करते हो, मगर मेरे साथ ही मेरी जान बचाने के लिए जरूर आएंगे, देख लेना। पर तुम मॉल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, अगर हमारी मदद करोगे तो हम यहाँ से निकल सकते हैं एक साथ। दुश्मन को चकमा देना, मुझे तुम्हारा प्लान पसंद आया, पर हमें सामान की जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर की दुकान से। पर हमारे पास पहले से ही हथियार है। नहीं,
मिलिट सही कह रहा है, हमें एक लंबा गार्डन पाइप चाहिए होगा, एक बड़ा ट्यूब, 3 टॉर्च, 1 हथौड़ा और कुछ मटन के टुकड़े। पर किस लिए? पता नहीं, फिल्मों में इनका इस्तेमाल करने से पहले हीरो ज़ॉम्बी बन जाता है, पर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। इलिया जी, मुझे बिल्कुल आईसी हैंड बैग चाहिए था। शेन, तुम आगे रहना, दूसरी मंजिल पर। अपनी दाई तरफ के एस्केलेटर को बंद करो। मिलर्ड मिलफोर्ड उनका ध्यान अपनी ओर खींचेगा और तुम सब भाग जाना। पर रास्ता साफ है, हमें एक साथ चलना चाहिए। या वो चाहते हैं कि हम यही सोचे। जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। ए ज़ॉम्बीज, आज का खास खाना मिलर्ड मिलफोर्ड का ताजा गोश्त, आ जाओ मुझे खा लो। तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। ये कौन बता सकता था कि एक मामूली सा सिक्योरिटी स्लिंगर मेरी तरह एक महान हीरो बन जाएगा। बहुत ही बहादुर था। वैसे उसने क्या कहा था, हार्डवेयर की दुकान लेफ्ट में है कि राइट में? हाँ भाई, अभी बताता हूँ ना जी, अगर हम एक्स है तो कैंडल की दुकान होंगी, नहीं नहीं नहीं, वो जूते की दुकान होंगी यहाँ पे, और नहीं लेफ्ट में होंगी, नहीं राइट में होंगी। बिल्कुल ऐसी स्मैक तुझे चाहिए थी ना। वैसे अच्छी खबर ये है कि ज़ॉम्बी मूवी के इस मोड पर टीम के 2 मेंबर्स कम हो गए थे, तो हम बगैर मिलर के भी यहाँ से निकल सकते हैं। बढ़िया, पर क्या किसी ने प्रांटो को देखा है? देखो जी, सबको कुछ ना कुछ चाहिए ना, अब हम लोग सौदा कर सकते हैं। अब पहले मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, और तुम्हारे लोगों को क्या चाहिए बोलो। बचाओ जी, ये कौन है जी, कौन है तुम लोग, मुझे फंसाने की जगह फंसा दिया ना। मेरे वफादार नौकर मिस्टर सैटरडे की सेवा करना चाहते हैं, और मिस्टर सैटरडे को चाहिए और तकिए और ज्यादा बड़े स्क्रीन्स और स्नैक्स, पर सबसे ज्यादा चाहिए गुलाब। ठीक है, कोई नहीं डरेगा, हमें बस एक अच्छा और पक्का प्लान बनाना होगा जिससे हम प्रॉन्टो को बचाकर यहाँ से बाहर निकाल सके। मैं ज़ॉम्बी का शिकार करूंगा। उस मूवी में हीरो अपने दोस्त को बचाने के लिए सीलिंग से लटकता है और फिर वो बचता नहीं है, लेकिन ज़ॉम्बी का पोस्टमार्टम इस मूवी में हीरो एयर कंडीशन के रास्ते जाता है और फिर वो भी नहीं बचता। इलाई, मूवीज को भूल जाओ, ये असली दुनिया है। एक तो प्रॉन्टो खो गया है और ये भी पता लगाना है कि यहाँ चल क्या रहा है। जल्दी दरवाजा खोलो, वो प्रॉन्टो है। ये तो हमें देख भी नहीं पा रहा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक भूखा ज़ॉम्बी दिमाग खाने की कोशिश करता है, लेकिन देखने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि प्रॉन्टो ज़ॉम्बी में बदल गया है। मुझे लगता है शायद हम इसे अभी ठीक कर सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए हमारा यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। तुम्हें नहीं लगता बाहर निकलते ही ज़ॉम्बी हमें देख लेंगे? देखेंगे तब जब देखेंगे। ये ज़ॉम्बीज कुछ अलग ही लग रहे हैं, बिल्कुल प्रॉन्टो की तरह। हम शायद इनकी भी मदद कर सकते हैं, इसलिए इन्हें नुकसान मत पहुंचाना। और हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो उन्हें काटने और अपना दिमाग खाने मत देना। दिमाग मत खाने देना, समझ गई। दोस्तों कॉर्ड, तुम्हारा मास्क।
अब ये करना ही पड़ेगा। एक मिनट रुको, इन ज़ॉम्बीज को दिमाग नहीं खाना है, इन्हें बस बड़े स्क्रीन चाहिए। ये तो सिर्फ लूट रहे हैं, असली ज़ॉम्बीज इस तरह का बर्ताव कभी नहीं करते। और ये सब तुम्हें ज़ॉम्बी मूवी देखने से पता चला है। और अगर मैंने अपने पापा के साथ वो मूवीज नहीं देखी होती तो आज हम इससे भी बुरी हालत में होते। सिल्विया, उन्हें पैसे बिल्कुल मत देना। पर क्यों हावर्ड, ये कुछ मांग नहीं रहे हैं। मैं जानती हूँ कि ये असल में क्या है, ये कोई फ्लैश मॉब्स नहीं है और ये बच्चे नाटक कर रहे हैं। देखो हावर्ड, ये लोग फ्रेंडली है और तुम भी तो बहुत अच्छे हो। हावर्ड मेरी एक तस्वीर लो। तुम उन्हें सिर्फ चढ़ा रही हो सिल्विया। मेरे कैमरा को हाथ मत लगाओ। हावर्ड उन्हें डांटो मत। यहाँ नहीं, हम उनका पीछा करेंगे, शायद हमें जवाब मिल जाए। ओह, लगता है शो शुरू होने वाला था, हम वक्त पर आ गए। जादूगर का शो है, मिमिक्री से भी बेकार। हो, पर तुमने ऐसा करतब पहले कभी नहीं देखा होगा, मुझ पर विश्वास करो। इस लक पर अपनी आंखें टिकाए रखना। ये तो एक हिप्नोग्रिफ है। हिप्नोसिस स्लग, जिसे कूल बना दिया गया है, अब वो क्रिप्टोग्रिफ बन गया है। तो इसका मतलब इसी से वो सबके दिमाग पर काबू पा रहा है, इसीलिए वो ज़ॉम्बीज हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। दरअसल ये असल में ज़ॉम्बीज हैं ही नहीं, इन्हें ज़ॉम्बीज बनाया गया है, इनमें बहुत फर्क है। अब जल्दी से मुझे कुछ स्नैक्स और कुछ पीने के लिए ला कर दो। असर को खत्म करना है तो हमें उस लक को नॉर्मल करना होगा। डॉक, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारे बीच कोई बागी भी है? तो लगता है मुझे उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इलाई, मेरे दो सवालों का जवाब दो, कौन और ये किस लिए? अगले कुछ सेकंड्स के लिए तुम मुझे बुला सकते हो मिस्टर सैटरडे। और कोई अपने लिए बिजनेस क्यों करता है? बेशक प्रॉफिट और मजे के लिए। प्रॉफिट तो तुमने देख ही लिया है, और मजा कौन नहीं चाहता कि लोग उसके हर ऑर्डर को माने और उसे जो चाहे ला कर दे। ओह, इसे याद आया, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊं, कुछ कहना चाहते हो? मिलर्ड मिलफोर्ड के मॉल में हमला करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मिलर्ड, तुम्हारे इन लाल टपकाने वाले बदबूदार ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगाने आ गया है मिलर्ड मिलफोर्ड सिक्योरिटी स्लिंगा। ठीक है, क्या अब हम जाएं? अभी नहीं, इस मिस्टर सैटरडे ने जो दहशत फैलाई है उसे हमें अभी के अभी खत्म करना होगा। सही कहा, हमें कुछ करना पड़ेगा। वो हमसे कहीं ज्यादा है, क्यों ना हम थोड़ा इंतजार करें? क्योंकि एक पूरी स्लग टेरा एक्सप्रेस भरकर शेरी एकर्स से लोग यहाँ किसी भी वक्त उनकी वीकली शॉपिंग करने आएंगे। क्या तुम चुपचाप बैठकर तमाशा देखोगे जब कोई दादी माँ को ज़ॉम्बी बना देगा? बिल्कुल नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं होगा उनका हाल क्या होने वाला है। मुझे बस एक और बात कहनी है, अगर तुम मॉल को बचाने में मेरा साथ दे रहे हो तो हमें शपथ लेनी होगी। अपना दायां हाथ आगे करो। ये सच में हो रहा है? मैं शपथ लेता हूँ, इस मॉल को जो नुकसान पहुँचाएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो चोर हो, लुटेरे हो या कोई गंदे मुंह वाले ज़ॉम्बीज हो। हम भी शपथ लेते हैं। माउंट फूड कोर्ट पर हमले की तैयारी करो। रुको, हम प्रॉन्टो को इस हालत में नहीं ले जा सकते।
ये तुम्हारे ही अच्छे के लिए है दोस्त। तो अब चलो उन्हें दिखा दें। मेरे पास ले आओ अपने घुटनों पर। याद रहे ये बेगुनाह लोग हैं, इन्हें नुकसान मत पहुंचाना। घबराओ नहीं, मैं इन पर एक उंगली तक नहीं उठाऊंगा। तुमने अपना नाम नहीं बताया बच्चे। शेन, इलाय शेन, जेल में जाने के लिए तैयार हो? एक शेन, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। तुम्हारे हुनर को मैं धंधे में इस्तेमाल कर सकता हूँ, नौकर बनाकर नहीं पर एक पार्टनर बनाकर। हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। तुमने अपने स्लग को गूल बनाया है, इसका मतलब तुम डॉक्टर ब्लैक के साथी हो। गलत, सैटरडे किसी के लिए काम नहीं करता। ब्लैक ने भले ही मुझे घूस बनाने की तरकीब सिखाई है पर मैं खुद के अलावा और किसी के लिए काम नहीं करता। अच्छा, अगर तुम्हें और गुल चाहिए होंगे तब क्या करोगे? तुम वापस ब्लैक के पास जाओगे और उसे सब कुछ दे दोगे। तुम भी उसके नौकर हो जैसे ये लोग तुम्हारे हैं। अरे नहीं, अगर हमने उस फ्रायर को बंद नहीं किया तो उसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है उससे ब्लास्ट होगा और जो गरम ग्रीस निकलेगी उससे आधा स्लग तेरा बर्बाद होगा। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बंद करता हूँ। अगर मैं वापस नहीं आया तो इस जंग को खत्म करो जो मैंने शुरू की है। जरूर। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, याद रखना। हाँ हाँ याद है, इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना है। मैं आ रहा हूँ। क्या सच में? हम सब में एक हीरो होता है, तुम कर सकती हो। मिलर्ड मिलफोर्ड को तुम पर विश्वास है। वो बोलता बहुत है, मुझे ही बंद करना होगा। ठीक है जूस, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। उसे पकड़ के रखो मेरे गुलामों, वक्त हो गया है कि तुम भी मेरे गुलाम बन जाओ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते इलाय शेन, तुम मेरे गुलाम बनकर ही रहोगे। तुम्हें मेरा कहना मानना ही होगा। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे अपने काबू में कर लोगे? अब तुमने मुझ में जीतने की और भूख बढ़ा दी है। तुम्हें लगा तुम जीत जाओगे? नहीं नहीं नहीं, तुम ना कभी जीते थे ना कभी जीतोगे। ये मैं भेड़ियों में खाईसे आ गया, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है जी। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा। ये क्या शो पहले ही खत्म हो गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा हावर्ड? सम्मोहक नाटक सल्वी जादूगर से भी बेकार। मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं मेरे दोस्त, पर सैटरडे भाग गया। जो लड़ता है और भागता है वो दोबारा लड़ने जरूर आता है।
तुम्हारे लिए बुरी खबर है सैटरडे, मैं तुम्हें किसी ऐसी वैसी जेल में नहीं भेजने वाला, तुम जाने वाले हो मॉल जेल में। तुमने जो मदद की उसके बदले लाइफ टाइम फ्री वीडियो गेम खेल सकती हो। वाह, ये तो तुम्हारी शान के खिलाफ है, जानता हूँ। मैंने उन्हें बताया था कि तुम ये इनाम कभी नहीं लोगे, तुम सब हीरो हो और यही तुम्हारा असली इनाम है। सुना तुमने, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ हमें आराम करने मिल सकता है। सही कहा, चलो घर चलें।